अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, जिसके लिए सबसे पहले आयल में मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन। अब चिकन ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं चिकन की भुनाई करूँगी। और साथ ही चिकन की भुनाई के दौरान मैं इसमें ऐड करूंगी नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद इसको दोबारा मैं मिक्स करूंगी अच्छे से। अब चिकन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है, मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 kg टमाटर जो मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं। ये ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैं इनकी भुनाई करूँगी इसमें। 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद मैं अब इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए ठहरा दूंगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाए इसमें। 10 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया, टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। 7 चम्मच की मदद से मज़ीद इनको मैं अच्छे से मैश करूंगी। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 5 to 6 ग्रीन मिर्च जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज और लहसुन का पेस्ट। प्याज मैंने यहाँ पे एक बड़ा लिया है और लहसुन जो है 5 to 6 जवे मैंने लिया है, उनको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च। ये ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक के ठहरा दूंगी ताकि पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। और 10 से 15 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। चिकन की मैं इसमें अच्छे से भुनाई करूंगी। और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1/2 कप दही। ये ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज धनिया। ये ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मिक्स करूंगी और चिकन कढ़ाई हो चुकी है मेरे पास रेडी। ये जी है फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।